क्या वो चला गया? मेरी बैंड इसलिए बजी पड़ी है, मैं अभी भी यहाँ पे एक शार्क देखा है। ओह ओह ओह, ये तो वही शार्क है। बचना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। ओह ये अजीब झाड़ियाँ हैं, यहीं छुप जाता हूँ। हाँ बचा लिया झाड़ियों में, अच्छी झाड़ियाँ, प्यारी झाड़ियाँ। अरे गड़बड़ हो गई भाई, ये तो ऑक्टोपस की बाहें हैं। बचा! कि आपको ये पसंद आए? क्या आप जानना चाहते हैं आप इसको कैसे बना सकते हैं ताकि आप इस शार्क फिन को अपने कमरे में सजा सकें? तो आइए देखते हैं। एक मोटा कार्डबोर्ड लेकर उस पे पानी का धब्बा बनाएं। धब्बा थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनाइए ताकि ये बहुत सारी लहरों की तरह दिखे, मानिए जैसे पानी हिल रहा हो। दूसरे कार्डबोर्ड पर एक विशाल और डरावना शार्क का फिन बनाइए। अपने बनाए दोनों टुकड़ों को काट लें। अब शार्क के फिन को लहरों पर इस तरह रखें और बहुत सारे सेलो टेप के साथ इसे चिपका दें। टेप को राइट एंगल्स पर लगाइए ताकि फिन गिर ना जाए। कंजूसी ना करें और ज्यादा टेप लगाइए। अगर फिन गिर गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए और टेप लगाइए। बहुत बढ़िया, हमारा शार्क का आकार बिल्कुल तैयार है। पर यह शार्क ताकि हमारे घर की सुरक्षा कर सके, इसे और डरावना बनाना होगा। कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, तो चलिए देखते हैं। न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा एक तरफ चिपकाएं और उसके नीचे ढेर सारे कागज के गोले डालें। फिर एक और न्यूज़पेपर का टुकड़ा दूसरी तरफ चिपकाएं। पूरे फिन को ऐसे ही कागज के बॉल से भर दें ताकि ये काफी भरा भरा लगे। ज्यादा सा टेप इस्तेमाल करके दोनों तरफ ऐसा ही करें। देखा? अब लंबा रोल्स बनाकर पानी के धब्बे पर चिपकाएं। ऐसे, क्योंकि ये छोटे और असली लहरों की तरह दिखने चाहिए। कितना असली लगता है ना ये, मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि ये मेरे घर के चारों ओर घूमकर मेरी रक्षा करेगा। लेकिन अभी सबसे पहले हमें जरूरत है इसे मजबूत बनाने की। न्यूज़पेपर के टुकड़े काटिए और आर्ट अटैक पेस्ट से चिपका दें। आर्ट अटैक पेस्ट बनता है पानी और गम को बराबर हिस्सों में मिलाए जाने पर, कोई भी कोना ना छूटे। जल्दी काम पूरा करने के लिए एक मोटा ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि सूख जाने के बाद ये काफी मजबूत हो चुका है, टूटने का कोई चांस नहीं। क्या बात है, अब हमें इंतजार करना होगा इसके सूखने का। सूखने के बाद अगर आप हाथ लगाएंगे तो पता लगेगा कि ये बहुत मजबूत बन चुका है। और इसका एरोडायनामिक आकार देख के तो ये पता चलता है कि पानी में काफी तेज जा सकता है। और अब बारी है इसे रंगने की। पूरे फिन को भूरे एक्रिलिक कलर से पेंट कर दीजिए। देखा, एकदम असली लगता है। अब लहरों पर हल्का नीला रंग लगा दें। नीले रंग से ही लहरों का आउटलाइन बनाइए। कुछ जगह पर थोड़ा गहरा नीला रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि लहरें उठ रही हैं। और जरा सा सफेद रंग लगा दीजिए ताकि ये और भी निखर के आए। आखिर में अगर आपको ऐसा दिखाना है कि फिन गीली है तो इस पर थोड़ा सा गहरा भूरा रंग लगाइए। बढ़िया, वाह, ये तो तैयार हो गया, काफी अच्छा लग रहा है ना।